हेलो फ्रेंड्स, आप जो हैं चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 15 फीट बाई 27 फीट में एक प्लान बना हुआ है, जो कि 400 स्क्वायर फीट में हुआ, 45 इंच में एक प्लान बना हुआ है, जो कि 2 BHK प्लान बना हुआ है। छोटा घर है लेकिन इसकी बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसके वेंटिलेशन डायमेंशन, इसकी कॉस्ट वगैरह क्या है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसकी चौड़ाई की बात करें तो आपकी 15 फीट होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 27 फीट होगी। ये हमारा मेन गेट प्रोवाइड किया है, जो कि 5.5 फीट का गेट होगा, जो कि 2 साइड आयरन का डोर प्रोवाइड किया है। अब इस गेट से एंट्रू थी काफ़ी आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। इस पार्किंग एरिया की बात करें तो आपकी 6 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 9 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके बाइक्स वगैरह इसलिए पार्क हो जाएगा, प्लस अपना सेपरेट टैंक या वाटर टैंक भी आप इसी साइड बना पाएंगे, जिसमें अपना वाटर वगैरह स्टोर कर पाएंगे। ये फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए हमने स्टेज प्रोवाइड किया, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर भी इसमें 2 बेडरूम का पोर्शन आने वाला है। फर्स्ट फ्लोर को चाहें तो आप रेंट आउट भी कर पाएंगे, जो कि हमने बाहर से स्टेयर्स प्रोवाइड किया है। अब इस साइड से तो ये हमारा एंट्रेंस गेट होगा। ये एंट्रेंस गेट की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 3 फीट की होगी। अब एंट्रेंस गेट से एंट्रू थी काफ़ी आपका डाइनिंग कम लिविंग एरिया मिलेगा। इस एरिया की बात करें तो आपकी 9 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 8.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके डाइनिंग टेबल वगैरह आपका इजिली एडजस्ट हो जाएगा, प्लस साइड से तो ठीक है। इसी के सामने हमें एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे किचन का गेट होगा। हमने इसमें 2.5 फीट का गेट प्रोवाइड किया है। अब इस गेट से एंट्रू थी काफ़ी हमारा किचन मिलेगा। अब इस किचन के एरिया की बात करें तो आपकी 7 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपकी स्लैब्स, चूल्हे, रैक्स वगैरह आपका इजिली एडजस्ट हो जाएगा, सिंक वगैरह। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने ये विंडो प्रोवाइड किया, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा, इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। अब इस साइड से तो ठीक, इसी के सामने हमें एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे टॉयलेट स्लैश बाथरूम का गेट होगा। हमने इसमें 2.5 फीट का गेट प्रोवाइड किया है। इस गेट से एंट्रू थी काफ़ी आपका टॉयलेट कम्बाइन बाथरूम मिलेगा। अब इसके एरिया की बात करें तो आपकी 4.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 8 फीट की इसकी लंबाई होगी। वेंटिलेशन के लिए हमने विंडोज प्रोवाइड किया है, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा, इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी, जो कि इसके बैक साइड फ्री है, इसीलिए हमने विंडो प्रोवाइड किया है। अब इस साइड से तो हमने वॉश मशीन का स्पेस भी प्रोवाइड किया है, जिसके द्वारा आप हैंड वॉश वगैरह कर पाएंगे। इसी के बराबर में हमें एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर पर मास्टर बेडरूम होगा। इसमें हमने 3 फीट का गेट प्रोवाइड किया है। इस गेट से एंट्रू थी काफ़ी हमारा मास्टर बेडरूम मिलेगा। अब इस बेडरूम के एरिया की बात करें तो आपकी 9.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 9.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके डबल बेड, स्टेबल्स, LCD वगैरह इसलिए एडजस्ट हो जाएगा, प्लस साइड से तो इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी प्रोवाइड किया, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा, इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। आप सिंगारदान वगैरह भी आप इजली एडजस्ट कर पाएंगे, जो कि काफ़ी आपका बेडरूम मिलेगा। ठीक इसी के सामने हमें एक और बेडरूम मिलेगा, जो कि ये भी काफ़ी आपका बेडरूम होगा। इस गेट से एंट्रू थी काफ़ी हमारा मास्टर बेडरूम मिलेगा। अब इस बेडरूम के एरिया की बात करें तो आपकी 8 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 9 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके डबल बेड्स, LCD पैनल्स वगैरह इजली एडजस्ट हो जाएगा, प्लस साइड से तो उसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी प्रोवाइड किया, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा, इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। अब इस प्लान के टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो ये प्लान 4 लाख में बनने वाला है, जो कि आप चाहें तो बनवा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।